नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। सिंगरौली जिले से आ रही है अब तक की बड़ी खबर। ग्राम पंचायत क्षेत्र बूचरू में शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, जहां पर सेल्समैन द्वारा हितग्राहियों का खाद्यान्न लूटा जा रहा है। इसी कारण ग्रामीण के लोग परेशान है। सेल्समैन का नाम संजय कुमार शाह, ग्रामीण से पूछा गया तो बोले कि समिति सेवक का लड़का है। सेल्समैन हितग्राहियों का कहना है कि प्रति कार्ड पर 1 kg 2 kg खाद्यान्न काटा जाता है, और बोल रहे थे ग्रामीण लोग कि हमें कभी दाल नहीं मिली, शक्कर भी नहीं मिलता है, चना भी नहीं मिलता है। सेल्समैन का कहना है कि जब ऊपर से नहीं आएगा तो हम कहाँ से देंगे। सेल्समैन बोलता है कि जो करना है कर लो, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। इसी कारण से ग्रामीण के लोग बहुत परेशान हैं। जंगल झाड़ी पहाड़ी एरिया है, किसी अधिकारी तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी कारण से सेल्समैन फायदा उठा रहा है। शासन प्रशासन से निवेदन है कि बूचरू में जाकर जांच किया जाए, अगर गलत पाया जाए तो तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। MPCG 24 न्यूज, विपिन सिंह चंदेल की रिपोर्ट। आज हम ग्राम पंचायत क्षेत्र बूचरू के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान पे हैं। आइए हम जनता के साथ जानना चाहेंगे कि इनके साथ ये क्या समस्या आ रही है और इनका कैसे कैसे राशन काटा जा रहा है। सुनने में आया था कि इनका चना का भी पिछले बाकी है, इस महीना का भी बाकी है। क्या दिक्कत है आपको? सितंबर में चना नहीं मिला है। तेल क्या रेट देते हैं? तेल 30 रुपये। 30 रुपये जी। आपके साथ कितना गल्ला है, कितना मिलता है, चना मिला कि नहीं मिला? चना नहीं मिला है। तेल क्या रेट देते हैं? 30 रुपये तेल देते हैं। तेल का रेट मालूम कितना है? पिछला गल्ला बाकी है आपके? नहीं है, बाकी नहीं है। चना बाकी है आपका? चना बाकी है। फुटदार का नाम क्या है? तेरा।